नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। सुबह के 10 बजने को है 10 का दंगल के साथ, मैं हूं प्रत्युष खरे। बंगाल के रण में इस बार सियासी जंग बेहद आक्रामक हो चुकी है। टीएमसी बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों के साथ ही ममता दीदी और बीजेपी नेताओं के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी इस बार दीदी के किले को ढहाने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी हुई है। जेपी नड्डा के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही ठाकुरबाड़ी में वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ठाकुरबाड़ी को मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है, जिस पर टीएमसी की पकड़ कमजोर पड़ चुकी है। बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह में इस बार ममता दीदी घिरी हुई नजर आ रही है। बंग की जंग में क्या है जीत का फैक्टर और शाह के चक्रव्यूह से कैसे निकल पाएंगी दीदी 10 का दंगल में, इसी पर आज होगी बड़ी बहस। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। बड़ी खबर बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई। अमित शाह का आज बंगाल दौरा है, परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे कुछ बिहार में, यहीं से चुनावी शंखनाद होगा। हालांकि इससे पहले जेपी नड्डा 3 परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखा चुके हैं, 4थी परिवर्तन यात्रा को आज हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह। और आज का दिन बेहद अहम इसलिए माना जा रहा है कि अमित शाह आज ममता दीदी के खिलाफ जमकर गरजने वाले हैं। बंगाल के सियासी मैदान पर बीजेपी ने पहले तो एक एक करके ममता सरकार के मंत्रियों और विधायकों को बीजेपी में शामिल कर लिया और अब ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए बंगाल में एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गजों की फौज उतार दी है। इसके लिए रणनीतिक तरीके से कभी पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह बारी बारी से बंगाल कूच कर रहे हैं। आज बारी अमित शाह की है। आज अमित शाह ममता सरकार के खिलाफ कुछ बिहार में परिवर्तन यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले सुबह 11:10 पर अमित शाह कुछ बिहार में श्री मदन मोहन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सुबह 11:30 कुछ बिहार से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं दोपहर 3:45 पर ठाकुरबाड़ी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 6:00 साइंस सिटी ऑडिटोरियम कोलकाता में सोशल मीडिया वॉलेंटियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यानी आज अमित शाह एक बार फिर ममता बनर्जी के गढ़ में इन कार्यक्रमों के जरिए चुनावी शंखनाद करेंगे। दरअसल शाह का ये पश्चिम बंगाल दौरा पहले ही होने वाला था, लेकिन दिल्ली में इजरायली दूतावास के नजदीक हुए बम विस्फोट की वजह से उस कार्यक्रम को टालना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर अमित शाह बंगाल में दीदी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज अमित शाह बंगाल में है और बंगाल में आज दीदी के खिलाफ किस तरीके से वो गर्जेंगे ये भी देखना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हैं मनोज यादव, बीजेपी के प्रवक्ता, बालदेव नाथ जी टीएमसी नेता, प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मोहम्मद अली शाह लेफ्ट के नेता, और साथ ही देश रत्न निगम जी जो कि आरएसएस समर्थक हैं। सबसे पहले मनोज यादव जी, दीदी तो कह रही है कि मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं, कोई भी आए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए प्रत्युष जी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वो कहावत है कि अभी कुछ उनके हाथ में कुछ है नहीं, बुआ बबुआ की वहां पर सरकार चल रही है और जिस तरह से एक एक करके उनको सभी लोग साथ छोड़ रहे हैं वो साफ साफ दिखाता है कि डूबता हुआ जहाज है, इसमें कोई नहीं बैठना चाहता है। जिस मां माटी और मानुष की राजनीति करने आई थी ममता बनर्जी, उस ममता बनर्जी ने इस माटी को लहूलुहान करने का काम किया और वही जो सीपीआई सीपीएम जो पिछले 3 दशकों से वहां पर शासन कर रहे थे और शोषण कर रहे थे इस समाज का, वही हुआ है। जिस तरह से वहां पर हिंसा की वारदातें आती है, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमले होते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे 134 से 135 हमारे कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो चुकी है, ये केवल और केवल सरकार जो चल रही है टोलेबाजी करती है, तुष्टिकरण की राजनीति करती है और ममता दीदी केवल और केवल तानाशाह है, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, वो केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रही है जिसमें अपने बेटे जो भतीजा है अभिजीत बनर्जी को सीईओ बना करके बैठाना चाहती है और कुछ नहीं कर रही है। देवनाथ जी ये आरोप लग रहा है कि बंगाल में बुआर भतीजा की तानाशाही चल रही है। देवनाथ जी देखिए, कोई इलेक्शन कमीशन अभी तक नहीं बताया
ये एक टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, किसी का है? ममता बनर्जी हमारे लीडर है, अभिषेक बनर्जी जुआ का प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, कोई बुआ भतीजा का पार्टी ऐसा नहीं है, सब सब हम लोग सेवा करते हैं और हम सब जानते हैं ममता बनर्जी हमारे लीडर है और हम सब उनका वर्कर है, यही हमारा हमारा परिचय है। और मैं नेशनल सोशल वर्कर आप भी जानते हैं, बात ऐसा है आपने बताया ममता बनर्जी ने कहा रॉयल बंगाल टाइगर, मैं आपको सवाल कर रहा हूँ मैं मैडम साहब प्रदीप जी, कब ममता बनर्जी ने कहा? वो खुद कहा जो वो खुद रॉयल बंगाल टाइगर है, ममता बनर्जी कभी कभी ऐसा नहीं बताया। तीसरा बात है सत्ता में आने के लिए जो परिवर्तन यात्रा या रथ यात्रा जो चालू हुआ दो तीन दिन से चल रहा, जेपी नड्डा आया, आज अमित शाह जी आएंगे, देखिए ये लोग एक भी शब्द नहीं कह रहे। जो सेंट्रल बजट बजट हुआ, सेंट्रल बजट में रेल के एक हेक्टर पे 2000 रुपया और एक सड़क के लिए 25,000, वो सबसे ज्यादा कम है जो सड़क है। देवनाथ जी आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई भी नेता है उनसे टीएमसी को और ममता दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ममता दीदी ने ये क्यों कहा था उस वक्त कि गड्ढा नड्ढा चड्ढा ये आ जाए? नहीं नहीं, तो फिर ममता दीदी ने गड्ढा नड्ढा चड्ढा ये क्यों इस्तेमाल किया था शब्द का? नड्ढा जी आया और गड्ढा में पड़ गया। फिर एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये डर काहे की? ये डर किस लिए? नड्ढा जी आया और गड्ढा में पड़ गया और यहाँ पर उनका सभा में कोई नहीं आ रहा है, सभा खाली है, 500,000 लोग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो बजट पेश किया, बजट में बंगाल के कुछ नहीं है, मुद्दा है परिवर्तन यात्रा, एक बार भी नहीं कह रहे परिवर्तन के लिए। वो आपने क्या किया? आपने दो पश्चिम बंगाल की जनता को चक्कर में फंसा दिया, भ्रष्टाचार आपने अपनाया, केंद्र की 180 योजनाएं, केंद्र की 180 योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपने लागू की, केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना आपने लागू नहीं की, आपने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना लागू नहीं होने दी, आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी, प्रेम कुमार जी को मिलाइए। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, इस पूरे पूरे चुनावी रण में, इस पूरे चुनावी रण में कांग्रेस कहाँ है? वो तो हर स्टेट में अपना बड़ा भैया खोजती है, यहाँ भी लेफ्ट को खोज लिया है। प्रेम कुमार जी, देखिए प्रतुल जी, अभी से आप कांग्रेस और लेफ्ट कहाँ है ये बात तो प्रधानमंत्री जी जब उल्लेख करते हैं, हाँ। और जब उनको लगता है कि ये इलेक्शन किसी तरीके से बाइपोलर हो जाए, इसके लिए वो ये बोलते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस जो है टीएमसी से मिल गई है, तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस का भी इम्पोर्टेंस बना हुआ है और लेफ्ट का भी इम्पोर्टेंस बना हुआ है, अन्यथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलने की पड़ती है। कांग्रेस पार्टी प्रेम जी ना 3 में है ना 13 में है, बात ये है कि चाहे कहीं पर भी नहीं है, कांग्रेस नंबर से नवंबर के बाद प्रेम जी, प्रेम जी, जब ममता, प्रेम जी, जब ममता दीदी गरजती है तो वो भी मीडिया दिखाता है, जब ममता दीदी गरजती है वो भी मीडिया दिखाता है, इसलिए ये मत कहिए कि सिर्फ अमित शाह को दिखाया जाता है, ममता दीदी को नहीं दिखाया जाता, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को नहीं दिखाया जाता, सबको दिखाया जाता है, सबको दिखाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि एक चुनावी स्टेट में कांग्रेस आज की तारीख में कहां खड़ी है? एक चुनावी स्टेट में आज की तारीख में कांग्रेस कहां खड़ी है? प्रेम कुमार जी, कांग्रेस पार्टी 3 में है ना 13 में है, कांग्रेस पार्टी सुपर करके इतनी सी हो गई है, और ये इनके देखिए कितने बौखला गए प्रेम जी, प्रेम जी बौखला गए, जनता नकार चुकी है, नकार चुकी है, क्योंकि जाति है जादव को लेकर कंफ्यूज है, परिवर्तन जो है। अरे यार देखिए प्रेम जी, राहुल गांधी जी का इशू लेकर मत बैठा करो, मैं देश रत्न निगम और मोहम्मद अली शाह का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो का जल्दी से रुख कर लेता हूं, जहां से मेरी सहयोगी शालिनी इस वक्त जुड़ी हुई है। शालिनी, आज अमित शाह पहले कूचबिहार में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद ठाकुरबाड़ी में उनको जनसभा करना है, कहा जा रहा है कि एम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है मथुआ समुदाय।
बिल्कुल। और प्रत्युष देखिए, ये एम फैक्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। 10 करोड़ की आबादी जिस राज्य की है, अगर उसमें 3 करोड़ अकेला ये एम फैक्टर हो, मतलब मतुआ समुदाय हो, तो आप समझ सकते हैं कि इसे रिझाने की और मनाने की कोशिश हर पार्टी हर दल कर रहा है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी भी ये नहीं कह पा रही है कि तुम्हें नागरिकता देने का कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। दबी छुपी आवाज़ में वो ये ज़रूर कह रही है कि तुम तो हो ही भारत के नागरिक और इसीलिए तुम्हें नागरिकता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज अमित शाह जब पहुंचेंगे तो मतुआ समुदाय ये चाहता है कि उन्हें एक स्पष्ट तारीख मिल जाए प्रत्युष, क्योंकि देखिए अब सीए कानून के लिए जो नियम कायदे हैं उन्हें बनाने की तारीख जुलाई तक बढ़ा दी गई है। और इसीलिए मतुआ समुदाय ये तो समझ गया है कि इलेक्शन के पहले उन्हें नागरिकता नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी अगर गृहमंत्री खुद यहाँ पहुंच करके मतुआ समुदाय से कोई वायदा कर दे कि आपके लिए ठोस कदम उठाया जाएगा और वो भले ही इलेक्शन के बाद हो, लेकिन गृहमंत्री की तरफ से किया गया ये वायदा जरूर मतुआ समुदाय के लोगों पर असर करेगा। और वो बड़ी संभावना इस वक्त बीजेपी में ही देख रहे हैं क्योंकि बीते 10 साल में ममता बनर्जी ने उनके लिए कुछ नहीं किया है और ऐसे में अब उनके पास सिर्फ एक उम्मीद बची रह गई है कि आज जबकि गृहमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कोई वादा करे, उन्हें भरोसा दिलाए और फिर उसके हिसाब से उनका अच्छा शालिनी चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, कहा यह जा रहा है कि मतुआ समुदाय इस बार टीएमसी से नाराज है। टीएमसी से नाराजगी की वजह यहाँ पर प्रत्युष ये दिखाई दे रही है कि देखिए ममता बनर्जी भी उन्हें नागरिकता देने की बात कहती रही हैं और इस बार जब बीजेपी की तरफ से सीए एनआरसी की बात कर दी गई है, ये कह दिया गया है कि जितने भी बाहरी या शरणार्थी हैं उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, तब ममता बनर्जी उन्हें बरगलाने की ये कोशिश कर रही है जिसे मतुआ समुदाय समझ चुका है। ममता बनर्जी ये कह रही है कि बीते 10 सालों से तो तुम वोट कर ही रहे हो ना, बीते 20 सालों से तुम वोट कर रहे हो, अगर तुम वोट दे रहे हो, तुम्हारे पास वोटर आईडी कार्ड है, तो फिर इसका मतलब यह कि तुम भारत के नागरिक हो और इसीलिए तुम्हें किसी भी नागरिकता की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रत्युष खुद वहां पर जाकर के मैंने लोगों से बात की है, एक एक कागज बनवाने के लिए 20,000 से 25,000, 30,000 उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है और एक गरीब परिवार जहां 5 प्राणी रहते हो वो क्या एक एक कार्ड के लिए 30,000-30,000 रुपए रिश्वत दे सकते हैं? और ये रिश्वत दीदी के राज में ही है और इसीलिए रिश्वतखोरी के चलते भी दीदी से नाराजगी है, उन्हें नागरिकता ना दिला पाने की वजह से भी नाराजगी है और आज तक जो उन्हें छला गया है क्योंकि उन्हें कोई भी फैसिलिटी कोई भी जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है और ये तमाम चीजें मिलकर के दीदी के प्रति गुस्सा और अमित शाह या बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद दिखाती है। चलिए चलिए शालिनी आप हमारे साथ बने रहे, शालिनी ने वहां से ग्राउंड जीरो से बताया कि वहां की हकीकत क्या है। आपको एक बड़ी खबर ये भी बता देते हैं, अब से थोड़ी देर में संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलएसी के मुद्दे पर बोलेंगे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के बयान से पहले सीडीएस बिपिन रावत ने बिपिन रावत से मुलाकात की है, रक्षा मंत्री से बिपिन रावत ने। दरअसल आज एलएसी के मुद्दे पर, चीन के मुद्दे पर राजनाथ सिंह सदन में अपनी बात रखने वाले हैं। एलएसी पर चीन की किस तरीके से वहां पर अंदर घुसने की नापाक कोशिश और उसका भारतीय सेना ने किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया था, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। राजनाथ सिंह संसद पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में राजनाथ सिंह संसद को बताएंगे कि इस वक्त एलएसी पर क्या हालात है। लेकिन उनसे पहले राजनाथ सिंह से मिलने के लिए सीडीएस रावत भी पहुंचे थे, उन्होंने मुलाकात की रक्षा मंत्री से और उसके बाद अब रक्षा मंत्री थोड़ी देर में सदन को बताएंगे, अवगत कराएंगे कि इस वक्त एलएसी पर क्या स्थिति है। तो जैसे राजनाथ सिंह बोलना शुरू करते हैं हम आपको संसद भी ले चलेंगे, लेकिन फिर से एक बार जरा बंगाल का रणनीति रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवनाथ जी कुछ कहना चाहते हैं। देवनाथ जी जरा बताइए, ये मतुआ समुदाय पहले कांग्रेस फिर लेफ्ट बाद में टीएमसी की तरफ झुका हुआ, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में आपसे छिटक गया, शायद इस बात को भी लग रहा है डर ममता बनर्जी को कि इस बार विधानसभा चुनाव में पूरे उस इलाके में 70 सीटों को जो प्रभावित करता है समुदाय वहां से सुपड़ा साफ हो सकता है। देखिए प्रदीप जी, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जो सीए का लागू हुआ, एनआरसी का परमिशन हुआ, उसके बाद मैंने 3 बार आसाम लिया, आसाम में 11-12 लाख ऊपर बंगाली हिंदू बंगाली का नाम एनआरसी में नहीं है और 6 लाख मुसलमानों का नाम नहीं है, वो भी बंगाली है और वही 11.5 लाख के अंदर मुतवा नमस्त्रो है, नव मुनवा वो सब मनीष महिश्रो है, सब लोग है उसमें, आदिवासी भी वहां पर है असम में, तो उसमें वहां से जो लोग बंगाल में ठाकुर बाड़ी में जो लोग आते हैं उन लोगों को सब पता चल गया जो एनआरसी जो लागू हुआ, सीए जो लागू हुआ, सिटीजन अमेंडमेंट
अमेंडमेंट बिल में अगर आपको लग रहा है देवना जी, अगर आपको लग रहा है कि मथुआ समुदाय जो है वो टीएमसी से छिटका नहीं है, तो बार बार दीदी को जाकर वहां सफाई देने की क्या जरूरत है? बार बार सफाई देती क्यों है दीदी? बार बार नहीं मैडम, आपको एक लाइन में बता दिया, ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी कह रही है ममता दीदी को दरअसल में रोहिंग्याओं से प्यार है, मथुआ समुदाय से कोई मतलब नहीं है, इस्तेमाल किया, साइड रख दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का और निर्वाचन चुनाव ऑफिस घोटाले का घोटाला देता है, और इससे मैं आपने आपसे कहना चाहता हूँ, जो जी हिंदू का बड़ा चैनल है, जल्दी से देश रत्न निगम जी को बुलाइए। देश रत्न निगम जी, ये एम फैक्टर इस बार के बंगाल के चुनाव में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। मुस्लिम वोट बैंक में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री और फुरफुरा शरीफ से उस दरगाह से ममता बनर्जी को अब आगे हरी झंडी ना मिलना, आशीर्वाद ना मिलना, वहां से एक एम फैक्टर लग रहा है टीएमसी लूज कर रही है। अब मथुआ समुदाय की नाराजगी, ये दो एम फैक्टर से नाराजगी मोल लेकर टीएमसी को लग रहा है कि उसने खुद ही अपने किला ढाने का काम शुरू कर दिया। मैं समझता हूं प्रत्युष जी, जो सबसे बड़ी परेशानी टीएमसी के लिए वो ये है कि जो बंगाल अपनी संस्कृति, साहित्य, भोजन और संगीत के लिए जाना जाता था, आज बम फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। एमएलए के घर में मालदा में बम फैक्ट्री में विस्फोट होता है। कल ही कौसर नाम के आतंकवाद को एनआईए कोर्ट ने सजा दी है, जो कि बुरका सिलाई करने के नाम पर जिसने घर किराए पर लिया था और बम बनाता था, ये सब शरण में हो रहा था, राजनीतिक शरण इनको मिली, तो शय मिली हुई थी टीएमसी की, और ये आज जग जाहिर हो गया है। बंगाल का नाम इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया है। हम लोग बंगाल की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, उसका एक कल्चर है, लेकिन एक तरफ हिंसा हो रही है और यही डर लग रहा है चरमपंथी मुसलमानों को छोड़ के, मेरे ख्याल से अब आज कोई भी नहीं है और कोई भी नहीं है उनके साथ टीएमसी के पास, और एनआरसी करने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। बंगाल का बड़ी साफ खबर है, और पुष्टिकरण यह है कि आप पूजा में विसर्जन करने देते हैं, पंचायत इलेक्शन में आप उनको उनका पर्चा नहीं कटने देते हैं। एक मिनट चुप हो जाइए, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाने से आपको भी नहीं कोई सुन पाएगा, कोई नहीं सुन पाएगा आपको, चिल्लाए ना, आपको कोई नहीं सुन रहा है, बादल देवनाथ जी दूसरे को भी बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, शुरू से बोल रहे हैं, एक सेकंड सुन तो लीजिए। जो आरक्षण समर्थक है, एक मिनट फिर बोल रहे हैं, पूछा मुझसे जा रहा है, बोल आप रहे हैं, ऐसा थोड़ा तो थोड़ा बादल देवनाथ जी, ये क्या है? आप कहते हैं बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों की बंगाल में एंट्री नहीं होनी चाहिए, कम से कम डिबेट में तो मौका दीजिए। अरे बंगाल केवल टीएमसी का नहीं है बादल देवनाथ जी, बंगाल केवल टीएमसी का नहीं है बादल देवनाथ जी, बंगाल केवल टीएमसी का नहीं है, ठीक है, चुनाव का समय है, आपने कह दिया कि ये बाहरी लोग हैं, डिबेट में तो कम से कम सबको बोलने दीजिए। देखिए दूसरा देखिए, बंगाल मानव आपको मौका मिलेगा, देखिए ऐसा नहीं है, दूसरा बंगाल का नाम आज इन लोगों ने इसलिए खराब कर दिया, वह मानव तस्करी होती है, देह व्यापार बच्चों की और औरतों की, और एसिड अटैक्स के लिए वो बंगाल आज की डेट में जाना जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? टोलाबाजी, मतलब करप्शन खुद वहां की टीएमसी करती है, मानती है टोलाबाजी, और जब फंस गए तो कहते हैं, ममता बनर्जी कहती है पैसे वापस करिए, हम अपने पार्टी के लोगों को बोल रहे हैं कि जनता के पैसे वापस करिए, इससे बड़ी धूर्तता कोई हो सकती है? यही ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और दूसरा बंगाल, देखिए बंगाल की जनता को मैं सैल्यूट करता हूं। मोहम्मद अली शाह जी अब तो टीएमसी के निशाने पर लेफ्ट भी नहीं रहती, कांग्रेस भी नहीं रहती, सीधे बीजेपी रहती है, तो मतलब लेफ्ट और कांग्रेस सीन से बाहर है या फिर अंदर खाने कुछ चल रहा है, ये बता दीजिए जरा। नहीं देखिए, बात ऐसी है कि दीवार पे जो लिखाई है सबको दिख रही है अभी, कि जितने जहाज डूब रहे होता है तो पूरे चूहे कूद के जहाज से उछल के बाहर आते हैं, और वही टीएमसी का हुआ है। अच्छा, तो जहाज किसका डूबा था? जहाज किसका डूबा था 10 साल पहले बंगाल में? वो टाइटैनिक किसका डूबा था? नहीं, किसने 35 साल बंगाल में राज किया था,
किसी सरकार ने 35 साल बंगाल इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आपने कहा कि जहाज डूबता है तो चूहे कूद कूद कर बाहर आते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो जहाज किसका डूबा था, लेफ्ट का डूबा था ना, लेफ्ट का डूबा था ना। तो 10 साल पहले की बात आपने करी है, मैंने तो नहीं करी। अब मैं अब 10 साल क्या 35 साल पहले की बात करता हूँ। कौन लगातार सत्ता में आया 35 साल तक? अब बात ऐसी है, देखिए लेफ्ट ऐसे पोजीशन पे है जो खामोशी से अपना काम करती है, क्योंकि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अब लेफ्ट खामोशी से काम कर रही है। अच्छा, तो कांग्रेस भी आई ना हाथ मिलाने के लिए, हालांकि केरला में नहीं आई, वो अलग बात है। कांग्रेस आई हाथ मिलाने के लिए, गिड़गिड़ाते हुए आई कि लेफ्ट भैया साथ दे दो। और रास्ता क्या प्रेम जी, और प्रेम जी अब आपकी मजबूरी बन गई है, मजबूरी बन गई है बड़े भैया लेफ्ट से हाथ मिलाने की, जो खुद पता नहीं कि जहाज जो 10 साल पहले डूबा किनारे लग पाएगा कि नहीं। खुद बोला है कि वो जितने भी नहीं होता है खुद उनको स्वीकार करेंगे, कांग्रेस और लेफ्ट मिल करके। अब आप देखिए जी बोलने, फिर मैं बोलता हूँ बिना कुछ करे, अगर आप जो कह रहे हैं जैसे कि खुद ताकतवर हो रही है कि नहीं हो रही। अरे अभी अभी आपने कहा ना कि कांग्रेस आई ना हमारे पास, कांग्रेस आई ना हमारे पास, तो यानी कांग्रेस की मजबूरी है, लेफ्ट के बिना चल नहीं सकती। नहीं, प्रेम कुमार जी मानिए ना, प्रेम कुमार जी मानने को तैयार नहीं है। शाह जी ने कहा कि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में समझौता नहीं है, पश्चिम बंगाल में है। अब कांग्रेस आई तो ये और अच्छी बात है कि कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ आकर के एक पहल की है। और जो डूबा हुआ जहाज है कांग्रेस पार्टी, जो डूबा हुआ जहाज है उनके नाम को पार लगा है। अरे जो डूबी हुई खुदी है, जिनके कैप्टन है, जिनके कैप्टन राहुल गांधी है, जहाज के जहाज पहले डूब चुका है, जहाज के कांग्रेस पार्टी के जो कैप्टन है राहुल गांधी भी डूबा चुका है, वो जहाज पहले ही डूब चुका है। उसको पार उतारेगा जो केवल एक परिवार को पार उतार सकता है, जो लोग इस बहस को देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि देखिए क्या है, क्या है ये सियासत, कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई बंगाल में तो हम भाई भाई, अब लेकिन केरल में लड़ाई, क्या है इसकी सच्चाई? देखिए हंस रहे हैं बादल देवनाथ जी, मुझे लग रहा है कि इसका वो जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि जो बात पीएम ने कही है ना कि मैच फिक्सिंग है, कहीं ना कहीं आपस में चल रहा। मोहम्मद अली शाह भी मुस्कुरा रहे हैं, मोहम्मद अली शाह भी मुस्कुरा रहे हैं, यानी अंदर खाने बहुत खिचड़ी पक रही है, अंदर खाने बहुत खिचड़ी पक रही है। आऊंगा आऊंगा प्रेम जी मैं आऊंगा, तसल्ली रखिए आपके पास। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, आपसे थोड़ी देर में संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलएसी के मुद्दे पर बोलेंगे राजनाथ सिंह के बयान से पहले सीडीएस बिपिन रावत ने आज रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। आज राजनाथ सिंह लोकसभा में बयान देंगे, शाम 5:30 बजे लोकसभा में बयान होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। इस वक्त ये बड़ी खबर, एलएसी के मुद्दे पर बोलेंगे। दरअसल में पिछले 9 महीने में आपने देखा किस तरीके से एलएसी पर भारत और चीन के बीच में तनातनी चली, हालांकि उसके बाद अब चीन धीरे धीरे उस साइड से, पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण साइड से अपनी सेना को पीछे हटा रहा है। तो ताजा हालात क्या है एलएसी पर, इसके बारे में बताएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए एक बार फिर से 10 का दंगल का जल्दी से रुख कर लेते हैं। देवनाथ जी, 10 साल पहले ममता दीदी परिवर्तन के नारे के साथ आई थी, और इस बार देखिए बीजेपी आ रही है परिवर्तन यात्रा के साथ, क्या यही वजह तो नहीं है कि टीएमसी को डर लग रहा है कि वो परिवर्तन से लेफ्ट का किला धाराशाही हो गया, बीजेपी के इस परिवर्तन से टीएमसी चली जाएगी? 2-3 लाइन मैं बोलूंगा प्रदीप जी, और आपको आश्वस्त कर रहा हूँ ममता बनर्जी फिर से आ रहे हैं, चिंता का कोई बात नहीं। और बंगाल के लोग सब जानते हैं, और बंगाल के लोग बोल रहे हैं ममता बनर्जी उंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए, उंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं होने वाले हैं।
और दूसरा विषय यह है कि ये परिवर्तन होकर रहेगा और जिस तरह से केवल और केवल यहाँ पर तानाशाही बनती है, तुष्टिकरण की राजनीति की है और बांटने की राजनीति की है और केवल यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना तानाशाही चला रही है और कुछ नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता मन भ्रमण बना चुकी है, पश्चिम बंगाल में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का ही वो लोग घूमने वाले हैं और 200 से ज्यादा सीटें जीत करके हम लोग आने वाले हैं बादल देवी। इतना इज्जत का बात है, सेंट्रल लीडर हारा है, इतना इज्जत की है सेंटर की योजनाएं तो जनता के कल्याण के लिए वो तो लागू की नहीं है और मतुआ समुदाय को आप बोल रहे हैं कि केवल वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे, वोट देते रहिए लेकिन नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल रोहिंग्याओं से प्यार करेंगे, जिहादियों से प्यार करेंगे, अवैध घुसपैठियों से प्यार करेंगे लेकिन जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक समाज है, मतुआ समाज है, उसको जो भारत सरकार नागरिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो उसका विरोध करेंगे। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? अपने लोगों से इनकार है आपको, रोहिंग्याओं से प्यार है आपको, चिंता के बाद में कुछ नहीं होगा। और ममता बनर्जी के बारे में मैं ममता बनर्जी अच्छा मनोज जी जरा ये बताइए, मनोज जी जरा ये बताइए कि क्या बीजेपी के लिए इस बार एम फैक्टर यानी कि मतुआ समुदाय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा है कि यहीं से संजीवनी दिखेगी। देखिए ऐसा है कि प्रत्युष जी हमारे लिए एम फैक्टर एकदम हमारे लिए है, बहुत ही लाजमी है हमारे लिए, ममता वाला फैक्टर है, ममता बनर्जी वाला नहीं, ममता करुणा हमारा ममता वाला फैक्टर है। हम लोग सबके प्रति मार्मिक है, हम लोग सबके प्रति करुणा बरसाने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबका विकास की बात सोचने वाले, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी ममता भी नहीं दिखाई है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के चलने वाले, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाली, इसीलिए जनता ने जनाधार देख करके भाजपा का समर्थन कर दिया। एक सेकंड, मैं रोकना चाहूंगा, ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। अमित शाह बंगाल पहुंचने से पहले असम में है, हालांकि कुछ विहार में उनकी परिवर्तन यात्रा होने वाली है जिसको हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वो असम में है जहां पर राजवंशी समुदाय के नेता अनंत महाराज से उनकी मुलाकात हो रही है, उसकी तस्वीरें भी अभी हमने आपको दिखाई। मनोज यादव जी, सवाल यही था कि ये मतुआ समुदाय जितना टीएमसी के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही बीजेपी के लिए भी, इसलिए भी पूरी जोर आजमाइश उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। प्रत्युष जी ऐसा है, मतुआ समुदाय वो समुदाय है जो प्रताड़ित था पश्चिम बांग्लादेश के अंदर और सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था, जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित है बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, उनको नागरिकता दी जा सके। हम लोग नागरिकता देने के लिए बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं वोट तो कर रहे हैं, ममता जी बोल रहे हैं वोट बैंक बन रही है, केवल वोट करते रहिए नागरिकता मत लीजिए क्योंकि वहां भ्रष्टाचार चलेगा, वहां भ्रष्टाचार पनपेगा, तो सिंडिकेट चल रहा है पश्चिम बंगाल में, तो सिंडिकेट चल रहा है और ये लोग दोयम दर्जे का इन लोगों के साथ व्यवहार होता रहे। ये लोग चाहते नहीं है कि केंद्र के द्वारा जो योजना है वो वहां पर लागू हो, ये लोग चाहते नहीं है कि उस समाज का विकास हो, ये चाहते हैं